हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज और एरे पर आधारित है। आइए चलिए देखते हैं प्रोग्राम क्या है। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मैंने बनाया मेन फंक्शन और यहां पर इंट टाइप का एक एरे नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी साइज मैंने 5 रखी और ये वेरिएबल एरे टाइप का है। ठीक है, एरे टाइप का ये वेरिएबल है, स्क्वायर ब्रैकेट एरे की पहचान है। और अब यहां पर मैं एक एक करके वैल्यूज स्टोर कराया मैंने। जैसे मान लीजिए ये एरे की साइज मैंने 5 रखी है और यहां पर 5 वैल्यूज ही मैंने इसमें स्टोर कराया है। और फिर थर्ड एलिमेंट, ये देखिए ये लिखा हुआ है थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड एलिमेंट कहां पे आएगा? देखिए ये हो जाएगा ए जीरो यानी एर जीरो, ये हो जाएगा एर वन, ये एर टू, एर थ्री। यानी यहां अगर हम यहां 2 के जगह यहां पे देखिए, ये थर्ड एलिमेंट तो दिया हुआ है। थर्ड एलिमेंट कैसे है ये? क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 1 2 यानी यही तो थर्ड एलिमेंट होगा, थर्ड एलिमेंट 30 होगा। लेकिन हम यहां पे प्रिंट करवा रहे हैं एर 2, समझ में आया कैसे ये थर्ड एलिमेंट होगा? क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2। तो अगर 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 यही ना 3 होगा, तो 30 आएगा। और देखिए ये 4 है, तो 4 क्या आएगा? 0 1 2 3 4, 4 में 50 आएगा, यानी कि फोर्थ एलिमेंट आपका 50 है। तो चलिए एक बार इसको कंपाइल रन करवाते हैं। तो यहां से कंपाइल करवाया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, अब यहां से रन करवा लेते हैं। तो जैसे ही रन करवाया तो आप देख सकते हैं कि 30 और 50 प्रिंट हो रहा है कि नहीं, क्लियर है? चलिए इसमें कुछ चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर इसकी साइज में 7 रख देता हूं, 7, ध्यान दीजिएगा साइज क्या रखी 7, और यहां पर कुछ और भी एलिमेंट्स को ऐड करता हूं इसमें, जैसे 60 कर दिया कॉमा 56 कर दिया कॉमा, ठीक है। अब देखिए ये 3 3 6 1 7 7 एलिमेंट हो गए, तो अब ये इतना ही रखते हैं। अब क्या करते हैं, यहां से बिल्ड पे जाके कंपाइल करवाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, ये चीज जो है ना एक एक्स्ट्रा मैं लिखूंगा, यानी और यहां पर डबल इंटेड कॉमा के अंदर लिखूंगा यहां पर कौन सा एलिमेंट है, ये 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ एलिमेंट, यानी कि 6 एलिमेंट। तो यहां पे मैं लिखता हूं सेवेंथ एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है। और यहां पर बैकस्लैश एन, क्योंकि लाइन चेंज करना चाहता हूं इसीलिए मैं बैकस्लैश एन लगा रहा हूं, और फिर कॉमा दे करके एर ए डबल आर एर, और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, यहां पे प्रिंट कराना है 6 को, ठीक है। 6 वाले एलिमेंट को मैं प्रिंट कराऊंगा, तो चलिए एक बार 6 वाले एलिमेंट को प्रिंट कराते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो चलिए प्रिंट कराते हैं 6 वाले एलिमेंट को, यहां पर दे देते हैं सेमी कॉलन ताकि ये टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट होने के बाद क्या करना है, यहां से कराना है कंपाइल रन। तो ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, अब यहां से रन करवा देते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं 6 वाले एलिमेंट में 56 प्रिंट हो रहा है, देख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर यही आप 5 कर देंगे यहां पे, ध्यान दीजिएगा ये सेवेंथ एलिमेंट है और यहां 5 कर दिया, तो यहां पे हो जाएगा 6, क्योंकि 1 से स्टार्ट करेंगे हम अपनी काउंटिंग, क्योंकि काउंटिंग तो 1 से ही स्टार्ट होती है, तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन एरे की इंडेक्सिंग तो 0 से होती है, तो इस वजह से यहां पर 0 से ही ये काउंट करना शुरू करता है। तो अब यहां से एक बार कंपाइल करवाते हैं वापिस से, ये कंपाइल करवाया फिर इसको रन करवा लिया, तो रन करवाया तो ये देखिए 60 आ रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं 6 एलिमेंट 60 है। तो यहां पर देखिए 1 0 1 2 3 4 5, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये पांचवा होगा और 6 एलिमेंट, क्योंकि 1 से काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं तो ये छठवा 6 एलिमेंट इसीलिए मैंने लिखा है। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।